वहाँ पे 3 मेडिकल कैंप किए हैं भाजपा और सीता से मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 27 ऑपरेशंस किए वहाँ पर। एक्चुअली मैं बेसिकली गांव से हूँ और मेरा गांव घनसाव की मतदार संघ में है, जालना तालुका में है। तो मैंने कुछ गांव को विजिट दिया तो काफ़ी पुअर नीडी पुअर पीपल वहाँ पे मुझे देखने को मिले। उनका कोई देखने वाला भी है नहीं है, उनके जो बच्चे हैं वो सिटी में कुछ काम करने जा रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा से आँखों के पेशेंट्स काफ़ी दिखे तो सो मुझे लगा कि करना ज़रूरी है, अपने से जितना होता है उतना करना ज़रूरी है, इसीलिए हमने ये प्लान बनाया। और आदरणीय राव साहब दानवे साहब के जन्मदिन के माध्यम से भी हमको वहाँ पे किया, काफ़ी हमें रिजल्ट मिला। दानवे साहब का भी बहुत सारा हमें सपोर्ट मिला वहाँ पे। कितने दिन में ये शिविर आयोजित किया गया है और इस शिविर में क्या कुछ जांच की जा रही है, क्या क्या ऑपरेशन किए जा रहे हैं? अभी हमने देखो हमने 3 शिविर हमने दानवे साहब जी के बर्थडे पे लिए और 4 शिविर हमने स्वर्गीय कचुर बापा आर्थर जी उनके स्मृति प्रीत्यर्थ और उसके ऊपर लिया। हमने श्रीपाद श्री वल्लभ चैरिटेबल ट्रस्ट और मातोश्री सेवाभावी संस्था के माध्यम से 4 शिविर लिया, उसमें 76 ऑपरेशन किए हैं। तो वहाँ पर बहुत अच्छा ये हुआ देखने को मिला। तो 76 जो आपने ऑपरेशन की बात करी, किस चीज का ऑपरेशन किया? उसमें ऑपरेशन आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा, एपेंडिक्स, उसके बाद में पाइल्स हर्निया एक डिजी है और रॉड, कुछ लोगों के रॉड्स बिठाए वहाँ पर पैर में, इस टाइप के ऑपरेशन किए हैं। तो वहाँ पर शिविर का आयोजन देखकर इतना लंबा एक दिन का नहीं बल्कि 20-25 दिन का जो शिविर आयोजित किया गया है, तो वहाँ के लोगों में किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि वो इस शिविर का लाभ ले पा रहे हैं और आप लोगों तक कैसे इस बात को पहुँचा रहे हैं कि यहाँ पे जो शिविर आयोजित तो किया गया लेकिन इसका लाभ वो ले सके? देखो अभी हमने अभी 1.5 महीना तो हमें हो गया और भी हमारा पूरा यूनिट वहाँ पे ही है, हमें वहाँ से आने का हमारा मन नहीं कर रहा है क्योंकि काफी पेशेंट्स है और चाहता गांव में हम जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि और करना चाहिए। हमें मई पूरा मंथ हम सोच रहे हैं मई में पूरा मंथ तक वहीं रुकेंगे। हमने स्पेशली वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए वैनिटी वैन भी हमने वहाँ पे यहाँ से लेके गए हैं और गणपति नेत्रालय आशिया खंड में 3 नंबर पे है तो वो काफ़ी हमें हेल्प कर रहे हैं। और बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स हम लेके जा रहे हैं वहाँ पे, काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमें सपोर्ट कर रही है। जो भी आयुष्मान भारत योजना है जो गवर्नमेंट की स्कीम में जो बैठ रहे हैं उस पर कर रहे हैं और काफ़ी बाकी हम हमारे ट्रस्ट के माध्यम से भी हम काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो कैलाश जी आपको कितनी खुशी मिल रही है जो लोगों के चेहरे पे खुशी, जो हम वीडियो देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी वीडियो जो देख रहे हैं, जो लोगों के चेहरे पे खुशी है उस खुशी को देखकर आप कितने खुश हैं कि इस तरह का आयोजन आपने किया? उनकी खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये काम मुझे पहले करना चाहिए था ऐसा मुझे लगा और भगवान ने मुझे मौका दिया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और सब काफ़ी टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत खुशी मिलती है जब उनका दुख हम लेते हैं और उनके चेहरे पे एक अलग ही आनंद दिखने को मिलता है, तो दुनिया का वो सबसे बड़ा अनोखा पल होता है किसी को खुश देखते हुए, तो पूरा मैं मेरा दर्द टेंशन भूल जाता हूँ उनकी खुशी में। तो आगे क्या कुछ आपकी तैयारी है और भी कार्यों की, आप अब मुंबई में ही या फिर दोबारा आपको जाना आप जाने वाले हैं? मैं तो वहाँ दोबारा जाना है, अभी हम एक टॉक शो जो समस्यादाग मराठी में जो श्री देवेंद्र फडणवीस जी जनता दरबार समस्यादाग हुआ मदद मार्गदर्शन मिलवा, ये टॉक शो हम लोग आयोजन कर रहे हैं। तो उस टॉक शो में हम नीडी पुअर पीपल को बुलाएंगे जो उनकी समस्याएं हैं और उस समस्या का हल कैसे किया जाएगा, फिर वो हेल्थ रिलेटेड हो, फिर वो एजुकेशन रिलेटेड हो या उद्योग रिलेटेड हो या खेती रिलेटेड हो या स्पोर्ट रिलेटेड जो भी, तो हम लोग उनके क्वेश्चन की समस्या क्या है फिर हम उसके ऊपर हम वर्कआउट करके शॉर्टलिस्ट करते हैं। लोगों की समस्या पूछो, ये वर्ड उन्होंने बहुत अच्छा कहा, समस्या पूछ के उनका समाधान करने की कोशिश करो, इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी आपको।
तो किस तरह आप इस काम को, सोशल वर्क को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शुरुआत आपकी देख पा रहे हैं, तो किस तरह से और आगे भी इस कार्य को लेकर आप जाएंगे और किस तरह से आप अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं, क्योंकि जो भी आप ले रहे हैं वो भी लोगों के हित में है, जो भी आप नया प्रोग्राम की बात कर रहे हैं समस्या को लेकर कि लोग रूबरू हो पाए उनकी समस्याओं से, तो किस तरह आगे की रूपरेखा तैयार की आपने? आगे की तो मैं तो कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के पंत प्रधान हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका बहुत बड़ा संकल्प है, उन्होंने काफ़ी योजना लाई है, लेकिन वो ग्राउंड विलेज तक, गांव तक पहुँचती नहीं है। आज मैं तो ये फ्री में ही हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री हो, लेकिन वहां तक पहुंचाने वाला, ले जाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। बीच का जो मेडिटेट, मैं वो मेडिटेट करके काम कर रहा हूं, और मोदी जी की जो संकल्पना है वो योजना का, उन दोनों को मिला देना, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। आप भी जानना कि आपने क्या कुछ देखा, क्या फर्स्ट टाइम जाना हुआ था, इससे पहले भी आप कभी गए हो? नहीं, जलना तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी, और मुझे अच्छा लगा देख के कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, कितने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि यहाँ पे एजुकेशन की कमी है इंडिया में, तो मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग अवेयर नहीं करते, कि इवन अगर गवर्नमेंट फ्री में भी दे रहे हैं तो भी लोगों को नॉलेज नहीं है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उन तक ये सब पहुँचाए, और कुछ लोग वो चाहते भी नहीं पहुंच पाते, तो ये लोग मदद कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्थ से रहेगा तो ही हम काम कर पाएंगे। तो कितने सारे वहाँ पे बुजुर्ग लोग मिले, तो देखिए थोड़ा सा मतलब वो हो रहा था कि इतने सारे लोग हैं जिनको सच में मदद की ज़रूरत है, वो बेचारे कहीं चल भी नहीं पाते, उनको ऐसे लेकर आते थे। तो अच्छी बात है कि ये जो कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, मैं उनको शाबाशी देना चाहूँगी, और जिन्होंने भी हेल्प सपोर्ट किया उनको भी थैंक यू। आपने क्या कुछ वहाँ पर देखा ग्राउंड में रहकर, क्या कुछ समझा, और आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह से कैलाश जी के साथ रहकर उन कामों, वहाँ के समस्याओं पर काम करना चाहेंगे? हाँ, मैं ज़रूर आगे जाके भी उनके साथ काम करना चाहूँगी जितना मेरे तरफ से पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट वहाँ पे जाके अगर मैं थोड़ा सा लोगों को इंस्पायर भी करूँगी तो भी मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि एज अ फॉरनर मैं वहाँ पे जब जाती हूँ राशन होके, तो उनके चेहरे पे जो खुशी मिलते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि वो बेचारे पूरी ज़िंदगी अपने गाँव में निकाली, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ देखा भी नहीं, कितने लोगों को तो हिंदी भी नहीं आती, तो स्पेशली मैंने कुछ दो चार वर्ड्स मराठी में सीखे, तो वो जब बोलते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और इतने साल मैंने इंडिया में गुजारे, तो मेरी सेकंड कंट्री हो गई राशिया के साथ साथ, ये भी मैं उसको अपनी कंट्री मानती हूँ, तो अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ कर सकती हूँ लोगों के लिए। तो कैलाश जी को जब भी हमने कोई स्टेप पे काम करते हुए देखा, हमेशा आपका सपोर्ट और आपका साथ हमें दिखाई दिया, क्या वजह है कि उस तरह से उनके नजर आई? ये मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, मैं उनको बहुत टाइम से जानती हूँ, और हमारा पहली मतलब जो शुरुआत हुई वो हमें एक शो बनाना था लोगों को इंस्पायर करने के लिए, ताकि वो लोगों को हेल्प करें, पर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि पहले मैं ही एग्जांपल देता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, इनकी इच्छा था कि वो कुछ लोगों के लिए करें कुछ अच्छा, तो फाइनली किए जा रहे, तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अच्छे इंसान हैं, और इन्होंने खुद ही गरीबी भी देखी और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और अभी खुद का एग्जाम्पल लेके वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं।